नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज फाइनली मुकेश अंबानी ने जियो सिम ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है सभी 4G हैंडसेट्स के लिए, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो चीज लेके अभी हम लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, जो जियो सिम के बारे में, फाइनली मुकेश अंबानी ने आज ऑफिशियली जियो सिम को लॉन्च कर दिया। ये कोई भी 4G हैंडसेट लेके आप कोई भी रिलायंस स्टोर पे जा सकते हैं, जहां से आपको ये सिम मिलेगी। फ्रॉम 5th of September, मतलब मंडे से आपको ये मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुकेश अंबानी ने बोले हैं कि आपको रिलायंस जियो सिम के अंदर कोई भी कॉलिंग या SMS का चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। वो लोग खाली चार्ज करेंगे डेटा का। इसका मतलब जो भी आप कॉल करेंगे या फिर SMS करेंगे वो टोटली फ्री होगा, उसके लिए आपको कोई भी एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जहां तक प्रोसेस का सवाल है, अगर आपके पास एक 4G हैंडसेट है वो लेके आपको रिलायंस कोई भी डिजिटल स्टोर, मिनी स्टोर में आपको जाना पड़ेगा। आपको पहले की जैसा कोई भी कोड जनरेट करने का जरूरत नहीं या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं। वहां पर जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड दीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड दीजिए, आईडी एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। देने के बाद वो 15 मिनट के अंदर उसको वेरिफिकेशन के द्वारा आपको सिम दे दिया जाएगा और वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है अभी जियो सिम के लिए लूट मची है, अंबानी जी ने कंफर्म किया वो 15 मिनट के अंदर आपको सिम भी मिल जाएगी और 15 मिनट के अंदर आपको सिम एक्टिवेट भी वो लोग करके देंगे। अगर ये सुविधा होता है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, अगर ये सर्विस एक्टिवली मिलता है तो। इसके अलावा जब आप सिम लेंगे 31 दिसंबर तक, मतलब इस साल के पूरा साल तक आप उसको फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री इन द सेंस आपका फ्री अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री कॉलिंग होगा और उसके साथ साथ आप फ्री SMS भी कर सकते हैं। मतलब फ्री कॉलिंग, फ्री रोमिंग हो गया, आपका फ्री SMS चार्जेस हो गया, फ्री डेटा 31 दिसंबर तक, मतलब इस साल तक। उसके बाद से आपको जो पे करना पड़ेगा वो ओनली फॉर डेटा के लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं डेटा चार्जेस में आपका आ रहा हूँ क्योंकि वो लोग डेटा चार्जेस पूरा लॉन्च किए। इसके अलावा दो तीन फैसिलिटी जो आपको मिल रही है, जैसे सबको आपको पता है एक ब्लैकलिस्ट डे होता है या ब्लैकआउट डे होता है। ब्लैकआउट डे क्या होता है, जैसे दिवाली होगा या फिर वैलेंटाइंस डे हो गया या फिर जो भी मेजर फेस्टिवल्स है, जहां पर अगर आपके पास कोई भी SMS प्लान है फिर भी आपको SMS के लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे न्यू ईयर पे अगर हम लोग आप लोग SMS करते हो उसके लिए भी पैसा वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन रिलायंस जियो सिम अगर आप लेते हैं उसमें आपको कोई भी एडिशनल पैसा पे नहीं कराना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई भी एडिशनल आपका कोई ब्लैकआउट डे नहीं होगा। जो भी ब्लैकआउट डे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इसके लिए कोई भी ब्लैकआउट डे नहीं होगा। जहां तक प्लान्स का सवाल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो लोग नॉर्मली प्लान स्टार्ट किए 149 रुपए से लेके 149 रुपीज से लेके 499 रुपीज तक उन्होंने प्लान लॉन्च किया। अगर स्टार्टिंग में करता हूँ 149 रुपीज का, जिसमें आपको 0.3 GB मतलब 300 MB तक का डेटा मिलता है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, जितने भी प्लान है जिसमें आपको डेटा का ओनली फॉर चार्ज देना पड़ेगा, कॉलिंग टोटली फ्री है, SMS टोटली फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। एक्सेप्ट आपका जो है 149 प्लान में, जहां पर आपका 100 SMS फ्री है। उसके अलावा बाकी जो भी प्लान है उसमें आपका अनलिमिटेड SMS ही आपका मिलेगा। जैसे 149 में आपका 300 MB का मिलेगा, 499 में 4 GB का डेटा है आपका, 999 में 10 GB का डेटा, 1499 में 20 GB का, 2499 में 35 GB, 3999 में 60 GB एंड 4999 में आपका लगभग 75 GB का आपको 4G डेटा मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, 149 छोड़ के 499 से लेके 4999 तक का जो प्लान है, अगर नाइट में आपका 4G अनलिमिटेड, हो सकता है आपका 4 GB का लिमिट है लेकिन अगर आप नाइट में उसको इस्तेमाल करते हैं वो आपको टोटली फ्री हो जाएगा। मतलब वो आपके जो मतलब जो पैक है पैक के अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा। अभी नाइट का टाइम अभी तक कंफर्म नहीं है, हो सकता है रात को 11 बजे से होके सुबह 6 बजे से हो सकता है, फिर 12 से लेकर सुबह 6 या 7 तक हो सकता है, वो टाइम अभी तक कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट और एक चीज है आपका, जैसे कोलकाता में मैं हूं, यहाँ पर कोलकाता में बहुत सारा जगह पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट बैठाया है जो रिलायंस ने, उसमें 4G, तो रिलायंस ने बोला लगभग 1 लाख तक वो लोग फ्री वाईफाई टावर्स बैठा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर जाके आप फ्री हॉटस्पॉट ले सकते हैं, जिसमें आप अगर आपके पास अगर ये सब प्लान एक्टिवेट है तो आप एक सर्टेन लिमिट तक वहां से भी डेटा अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 149 का प्लान है डेफिनेटली उसमें आपका कोई भी वाईफाई हॉटस्पॉट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास 498 से लेके 499 तक कोई भी प्लान है तो आप 8 GB, 20 GB, 40, 70, 120, 150 GB तक आप आपके प्लान के हिसाब से आप डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी जो पैक है जिसका वैलिडिटी होगा 28 डेज तक।
तो अगर जो नॉर्मल यूजर है अगर वो 149 का प्लान इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा उनको, अनलिमिटेड फ्री, जो नॉर्मली व्हाट्सएप करते हैं या फिर फेसबुक करते हैं उतना ज्यादा नेट इस्तेमाल नहीं करते, तो 300 MB मोर देन एनफ होगा उन लोगों के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें आपको कॉल या SMS सब कुछ फ्री मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम दूसरे कोई सर्विस प्रोवाइडर से उनका कंपेयर करते हैं तो अभी तो आसपास उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं लॉन्च किया है। ऑल दो अगर मैं BSNL बोलूँ या फिर दूसरे एयरटेल बोलूँ, वो लोग अपने जो रेट्स पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट बहुत सारा रेट्स दिए, लेकिन ये रेट में तो डेफिनेटली वो नहीं आ रहा है। रिलायंस ने बोला ना उनका पर GB 50 रुपीज के हिसाब से है, लेकिन अगर मैं मतलब जितना आप मतलब अपना जो पैक बढ़ाएंगे 49 रुपीज से 499 तक, उतना ही आपका जो पैसा का वैल्यू है वो कमता जाएगा, मतलब आपको कम पे करना पड़ेगा। 499 में अगर आपको 70 GB मिलता है लगभग कोई 20-22 या 23 रुपए तक पड़ता है आपका 1 GB। तो इसके हिसाब से आप जितना बड़ा पैक लेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपका चार्जेस और कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है मैं जैसे बता रहा था दूसरे पैक्स के बारे में, मतलब या दूसरे कंपनी के बारे में, अगर आप पकड़ लीजिए दूसरा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का 2G या 3G का या 4G का आप सर्विस लेते हैं, 1 GB या 2 GB आपको लगभग पड़ जाता है 200-300 रुपए, या फिर आपका लगभग वही 400 रुपए के आसपास 1 या 2 GB का आपका मिल जाएगा। डेफिनेटली अनलिमिटेड तो होगा है नहीं, तो वो चार्जेस देना पड़ेगा, प्लस आपको कॉल SMS का अलग से चार्जेस देना पड़ता है, राइट? तो डेटा का अलग से चार्जेस, कॉल और SMS का अलग से चार्जेस। उसके बाद और एक चीज है, अगर आप रोमिंग पे जाते हैं रोमिंग का भी अलग से चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, वो लोग खाली डेटा का चार्ज कर रहे हैं। वो 4G स्पीड पे आपको मिलेगा लगभग 100-130 MBPS वो लोग बोले मिलेगा, उसके ऊपर आप कॉल और SMS आप फ्री, मतलब 149 लेके मैं अनलिमिटेड कॉल कर सकता हूँ मैं रोमिंग, क्योंकि मैं बहुत बाहर जाना पड़ता है मेरा ऑफिशियल टूर में, तो उसके हिसाब से अगर ये सिम मिल जाता है मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं फ्री में मतलब विदाउट रोमिंग चार्जेस में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये काफी अच्छा बात है इनफैक्ट। सो ये पैक के बारे में, तो जैसे मैंने बताया 5 सितंबर से आप इसको ले सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ID एड्रेस प्रूफ वैलिड जमा देके कोई भी स्टोर पे जाके आप इसको अवेल कर सकते हो, कोई भी 4G हैंडसेट लेके। आपको कोई कोड जेनरेट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी लाइफ का हैंडसेट नहीं चाहिए आपको, या फिर कोई भी लाइक एग्जैक्टली कोई लिस्टेड हैंडसेट लेके आपको जाना पड़ेगा। तो यही है सब कुछ अभी जियो का ऑफर, अभी जब वो एग्जैक्ट लाइव ऑलरेडी हो चुका, बहुत के इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा उनका सर्विसेज कैसा है, डे बाय डे इसके बारे में और भी पता चलेगा। तो अगर आपको इस बारे में कुछ भी चीज जानना है डेफिनेटली आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू डेटाडॉक फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। दिस इज योर हर्षमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉक, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।